न्यूजीलैंड के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज खेलने के बाद टीम इंडिया बांग्लादेश के दौरे पर है। यहां टीम को 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। वनडे सीरीज शुरू होने से पहले बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है, जहां टीम के कप्तान तमीम इकबाल चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। तमीम चटगांव में प्रैक्टिस मैच के दौरान चोटिल हो गए और वनडे के बाद होने वाली टेस्ट सीरीज में भी उनका खेलना संदिग्ध है। चोट के कारण तमीम को 2 सप्ताह के लिए आराम करने की सलाह दी गई है। बांग्लादेश टीम के फिजियो ने कहा कि तमीम की कमर में ग्रेड 1 का खिंचाव है, जिसकी पुष्टि MRI के बाद हुई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टीम में उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी के नाम की घोषणा अभी नहीं की है। इससे पहले तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद पीठ में दर्द के कारण रविवार को मीरपुर में भारत के खिलाफ शुरुआती वनडे से बाहर हो गए। बता दें कि दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज का आगाज 4 दिसंबर से होगा, जबकि दूसरा वनडे 7 दिसंबर और तीसरा 10 दिसंबर को खेला जाएगा।